हेलो दोस्तों, मैं प्रकृति। आप सभी का सरकारी सोर्स मेरे चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक होंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। चलिए देखते हैं आज मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि मैडम, आपके हिसाब से क्या कट ऑफ होना चाहिए, आप बताइए। ये तो फिर वही बात हो गई कि जैसे सब लोग कुछ भी छाप दे रहे हैं, मतलब किसी एक ने बनाया इतनी हो सकती इतनी हो सकती। मैं भी उसी तरीके से मतलब उनका देखकर बता दूं, इतनी हो सकती है। जैसे कि अभी मैं इससे पहले एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कि क्या कट ऑफ होगी, 40-45 पर या 60-65 पर। क्योंकि ये जो डाटा है, जो डाटा होता है, वो जब रिज़ल्ट तैयार होगा सिर्फ उनको ही बताएगा। अभी जितने भी लोग बना रहे हैं वो सिर्फ़ एक अनुमान लगाकर बता रहे हैं कि इतनी हो सकती इतनी हो। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करी, सभी का अपना अपना नज़रिया है। सब अपनी मन की बात रखने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और सब बना सकते हैं। बट जिन लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया है, वो लोग मेंटल लेवल पर इस चीज़ से सच में बहुत डिस्टर्ब हो रहे होंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब एग्ज़ाम देते हैं और फिर जैसे कि यूट्यूबर्स होते हैं, काफ़ी सारे बताते हैं कि ये जाएगी वो जाएगी, तो जिसमें कुछ लोग होते हैं जो एक दो नंबर से बाहर रह जा रहे होते हैं, कुछ होते हैं अंदर है, तो उनमें एक उनके दिमाग में एक कश्मकश बन जाती है कि पता नहीं क्या होगा। तो वो एक टाइप की टेंशन क्रिएट, स्ट्रेस क्रिएट कर देती है। तो मैं आज ये मेनली मेरा पर्पज़ यही था कि मैं इस वीडियो को बनाने का मेन ओनली एक पर्पज़ था कि आप सभी लोग, अच्छा है आप वीडियोस देखते हैं जानते हैं, लेकिन उसको अपना इतना स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस लेने से ना काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मेनली मेरा कंसर्न एरिया यही था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ठीक है, कट ऑफ जाएगी, जब रियल रिजल्ट आएगा और जब मेरिट बनेगी तब पता चलेगा कि हाँ इतना गुणांक जाएगा। तो आप प्लीज़ उस चीज़ का वेट करें, अपने दिमाग को ज़्यादा परेशान ना करें। काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरे होंगे, आप उन पर ढंग से फोकस करिए। क्योंकि अगर आप इसी चीज़ में लगेंगे कि कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, तो आप हम अपने अदर चीज़ों में फोकस नहीं कर पाते हैं, ये रियलिटी है। हाँ जी, आप सभी को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो मेरा ये मेनली पर्पज़ था इस चीज़ को बताने का कि आप प्लीज़ इस तरीके से अपने माइंड को ख़राब ना करें एंड अपने स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करें, ताकि आप अपने आगे वाले और एग्ज़ाम पर फोकस कर सकें। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मैंने भी पहले बोल दिया कि एक दो नंबर से रहते इंसान तो उनको दिक्कत होती है, उनका एक कश्मकश बन जाती दिमाग में। और ऐसे यूट्यूबर्स का क्या है, मतलब मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करी, लेकिन पता है सभी लोग अपने अपने परसेप्शन से बता रहे थे। अभी जैसे कि हाल ही में क्या हुआ ना कि अभी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था, यूपी के हाई कोर्ट का भी एक एग्ज़ाम हुआ था। उसमें सभी लोगों ने बताया कि अरे, कुछ लोग बोल रहे थे कि जनरल की कट ऑफ 140 और एससी की 125 130 में इतने शॉर्ट, इससे ऊपर जितने लोग होंगे वो मतलब इतने के अंदर वाले लोग शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, ये हो जाएगा। लेकिन रियलिटी क्या हुई, रियल में क्या हुआ, रियल में मेरे साथ ये कुछ फ्रेंड्स हैं जो जनरल्स में आते हैं, वो 156 पे जो उनके 156 हैं 200 में से, जिनके आउट ऑफ 156 है, वो लोग भी नहीं सिलेक्ट हुए। तो आप समझ जाइए कि कहने को सभी चैनल्स पे बता रहे थे कि इतनी जाएगी इतनी जाएगी, तो मेरे जो फैंस वो काफ़ी सिक्योर, वो खुश थे कि चलिए इतनी जाएगी, अच्छा है ये हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, और जनरल की ये गई थी और एससी में शायद 145 वाले भी सिलेक्ट नहीं हुए हैं, 146 के ऊपर वाले लोगों को लिया गया। तो आप लोग इस चीज़ को देखिए कि कट ऑफ एंड गुणांक जो भी चीज़ें हैं वो आपको कोई भी फिक्स नहीं बता सकता, सब अपना अपना अनुमान लगाकर बताते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने माइंड को स्ट्रेस से दूर रखिए। और जो भी अगर आगे आने वाले टाइम में, जैसे जैसे अभी सरकार का क्या चल रहा है कि अब देखते हैं क्या सरकार क्या स्टैंड लेने वाली, वैसे बोल रहे हैं, सुनने में आ रहा है पीएनपी से कि काफ़ी लोग हैं, जैसे कि जो सक्षमित्र लोग हैं वो कह रहे हैं कि सर भर्ती जल्दी कराइए, और जो 60-65 के साइड में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि डबल बेंच में जाइए सरकार। तो सरकार अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है, तो सभी लोग पीएनपी में धरना दे रहे हैं। कोई कुछ आपने काफ़ी सुन लिए होंगे ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, आंदोलन वगैरह टाइप्स का जो कहते हैं, तो वो सब भी चल रहा है।
तो जहाँ तक अभी सुनने में आ रहा है कि शायद सरकार इस हफ्ते अपना स्टैंड क्लियर कर दी, जो भी है कि डबल बेंच में जाना है या नहीं जाना, रिजल्ट जारी करना, उत्तर कुंजी जारी करनी है, जो भी चीज़ है वो सभी भी कुछ टाइम में निकल के अभी मालूम पड़ ही जाएगा। सुनने में आ रहा है कि एक हफ्ते, मैं आपको कोई गुमराह नहीं करूँगी, आ ही जाएगा। और प्लीज़, हाँ, ये मेनली काफ़ी लोग बताते कि अभी रिजल्ट आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, कुछ भी डालने से मतलब है, वो आपके माइंड के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग उनकी बात ना सुनिए, और जो भी रियल न्यूज़ होगी, जो होने वाला होगा, मैं सबसे पहले आपको वीडियो बनाऊंगी जो रियलिटी होगी उसका। तो आप प्लीज़ अपने माइंड को पीस में रखें एंड खुश रहें, क्योंकि मेनली क्या ना, अभी रिजल्ट का इस वैकेंसी को कुछ नहीं पता चल रहा, तो आप अपने अदर काम को, अपने मेंटल स्ट्रेस को, इन सब चीज़ों को लेकर अफेक्ट ना करें, वो आपके दिमाग पर कोई दिक्कत ना करें। मेरा मेनली यही है, और कुछ नहीं है। आगे आगे काफ़ी सारे बातें भी होने वाली हैं इस वैकेंसी को लेकर, क्या होगा वो सब से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे वो मैं आपको आने वाले टाइम में टाइम टू टाइम बताती रहूँगी। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। प्लीज़, मैं आप सभी का सपोर्ट चाहती हूँ ताकि मुझे भी वीडियोस बनाने में आगे खुशी मिले, क्योंकि जब आप लोग कमेंट्स करते हैं अच्छे, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो मोटिवेशन मुझे दें, एंड मैं आपको टाइम टू टाइम बेस्ट से बेस्ट न्यूज़ प्रोवाइड कराऊँगी। तो चलिए फिर, देखते हैं आगे क्या होता है इस वैकेंसी में। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी सही एंड जो आपके लिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि सरकार जल्दी से अपने स्टैंड क्लियर कर दे, ताकि मैं एक अच्छी गुड न्यूज़ वाली आपको एक वीडियो बना कर दूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं प्रकृति, आप सभी का सरकारी सोर्स मेरे चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक होंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। चलिए देखते हैं आज मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि मैडम, आपके हिसाब से क्या कट ऑफ होना चाहिए, आप बताइए। ये तो फिर वही बात हो गई कि जैसे सब लोग कुछ भी छाप दे रहे हैं, मतलब किसी एक ने बनाया, इतनी हो सकती, इतनी हो सकती। मैं भी उसी तरीके से मतलब उनका देखकर बता दूं, इतनी हो सकती है। जैसा कि अभी मैं इससे पहले एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कि क्या कट ऑफ होगी, 40 40 45 पर या 60 65 पर, क्योंकि ये जो डाटा है, जो जो डाटा होता है, वो जब रिजल्ट तैयार होगा सिर्फ उनको ही पता होगा। अभी जितने भी लोग बना रहे हैं वो सिर्फ एक अनुमान लगाकर बता रहे हैं कि इतनी हो सकती है, इतनी हो। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करी, सभी का अपना अपना नज़रिया है, सब अपनी मन की बात रखने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और सब बना सकते हैं। बट जिन लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया है, वो लोग मेंटल लेवल पे इस चीज़ से सच में बहुत डिस्टर्ब हो रहे होंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब एग्ज़ाम देते हैं, और फिर जैसे कि यूट्यूबर्स होते हैं, काफ़ी सारे बताते हैं कि ये जाएगी वो जाएगी, तो जिसमें कुछ लोग होते हैं जो एक दो नंबर से बाहर रह जा रहे होते हैं, कुछ होते हैं अंदर है, तो उनके दिमाग में एक कश्मकशी बन जाती है कि पता नहीं क्या होगा। तो वो एक टाइप की टेंशन क्रिएट, स्ट्रेस क्रिएट कर देती है। तो मैं आज ये मेनली मेरा पर्पस यही था कि मैं इस वीडियो को बनाने का मेन ओनली एक पर्पस था कि आप सभी लोग, अच्छा है आप वीडियोस देखते हैं, जानते हैं, लेकिन उसको अपना इतना स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस लेने से ना काफ़ी सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो मेनली मेरा कंसर्न एरिया यही था कि मैं आप लोग को बताऊं कि ठीक है, कट ऑफ जाएगी, जब रियल रिजल्ट आएगा और जब मेरिट बनेगी तब पता चलेगा कि हाँ इतना गुणांक जाएगा। तो आप प्लीज़ उस चीज़ का वेट करें, अपने दिमाग को ज़्यादा परेशान ना करें। काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरे होंगे, आप उन पे ढंग से फोकस करिए, क्योंकि अगर आप इसी चीज़ में लगेंगे कि कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, तो आप हम अपने अदर चीज़ों में फोकस नहीं कर पाते हैं, ये रियलिटी है। हाँ जी, आप सभी को समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो मेरा ये मेनली पर्पस था इस चीज़ को बताने का कि आप प्लीज़ इस तरीके से अपने माइंड को ख़राब ना करें एंड अपने स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करें, ताकि आप अपने आगे वाले और एग्ज़ाम पर फोकस कर सकें। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मैंने भी पहले बोल दिया कि एक दो नंबर से रहते हैं इंसान, तो उनको दिक्कत होती है, उनका एक कश्मकश बन जाती है दिमाग में। और ऐसे यूट्यूबर्स का क्या है,
मतलब मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, लेकिन पता है सभी लोग अपने अपने परसेप्शन से बता रहे थे। अभी जैसे कि हाल ही में क्या हुआ ना कि अभी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था, यूपी के हाई कोर्ट का भी एक एग्ज़ाम हुआ था। उसमें सभी लोगों ने बताया कि अरे कुछ लोग बोल रहे थे कि जनरल की कट ऑफ 140 और एससी की 125 130 में इतने शॉर्ट, इससे ऊपर जितने लोग होंगे वो मतलब इतने के अंदर वाले लोग शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे, ये हो जाएगा। लेकिन रियलिटी क्या हुई, रियल में क्या हुआ, रियल में मेरे साथ ही कुछ फ्रेंड्स हैं जो जनरल्स में आते हैं, वो 156 पे, जो उनके 156 हैं 200 में से, जिनके आउट ऑफ 156 है, वो लोग भी नहीं सिलेक्ट हुए। तो आप समझ जाइए कि कहने को सभी चैनल्स पे बता रहे थे कि इतनी जाएगी इतनी जाएगी, तो मेरे जो फैंस वो काफ़ी शिक्यो, वो खुश थे कि चलिए इतनी जाएगी, अच्छा है ये हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, और जनरल की ये गई थी और एससी में शायद 145 वाले भी सिलेक्ट नहीं हुए हैं, 146 के ऊपर वाले लोगों को लिया गया। तो आप लोग इस चीज़ को देखिए कि कट ऑफ एंड गुणांक जो भी चीज़ें हैं वो आपको कोई भी फिक्स नहीं बता सकता, सब अपना अपना अनुमान लगाकर बताते। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने माइंड को स्ट्रेस से दूर रखिए, और जो भी अगर आगे आने वाले टाइम में, जैसे जैसे अभी सरकार का क्या चल रहा है कि अब देखते हैं क्या सरकार क्या स्टैंड लेने वाली, वैसे बोल रहे हैं, सुनने में आ रहा है पीएनपी से कि काफ़ी लोग हैं जैसे कि जो शिक्षा मित्र के शिक्षा मित्र लोग हैं वो कह रहे हैं कि सर भर्ती जल्दी कराइए, और जो 60-65 के साइड में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि डबल बेंच में जाइए सरकार। तो सरकार अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है, तो सभी लोग पीएनपी में धरना दे रहे हैं। कोई कुछ आपने काफ़ी सुन लिए होंगे सब चीज़ें जो चल रही हैं, आंदोलन वगैरह टाइप्स का जो कहते हैं, तो वो सब भी चल रहा है। तो जहाँ तक अभी सुनने में आ रहा है कि शायद सरकार इस हफ्ते अपना अपना स्टैंड क्लियर कर दे, जो भी है कि डबल बेंच में जाना है या नहीं जाना, रिजल्ट जारी करना है, उत्तर कुंजी जारी करनी है, जो भी चीज़ है वो सभी भी कुछ टाइम में निकल के अभी मालूम पड़ ही जाएगा। सुनने में आ रहा है कि एक हफ्ते, मैं आपको कोई गुमराह नहीं करूँगी, आ ही जाएगा। और प्लीज़ हाँ, ये मेनली काफ़ी लोग बताते कि अभी रिजल्ट आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, कुछ भी डालने से मतलब है, वो आपके माइंड के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग उनकी बात ना सुनिए, और जो भी रियल न्यूज़ होगी, जो होने वाला होगा, मैं सबसे पहले आपको वीडियो बनाऊंगी जो रियलिटी होगी उसका। तो आप प्लीज़ अपने माइंड को पीस में रखें एंड खुश रहें, क्योंकि मेनली क्या ना, अभी रिजल्ट का इस वैकेंसी को कुछ नहीं पता चल रहा, तो आप अपने अदर काम को, अपने मेंटल स्ट्रेस को, इन सब चीज़ों को लेकर अफेक्ट ना करें, वो आपके दिमाग पर कोई दिक्कत ना करें। मेरा मेनली यही है, और कुछ नहीं है। आगे आगे काफ़ी सारे बातें भी होने वाली हैं इस वैकेंसी को लेकर, क्या होगा वो सब से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे वो मैं आपको आने वाले टाइम में टाइम टू टाइम बताती रहूँगी। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ मैं आप सभी का सपोर्ट चाहती हूँ ताकि मुझे भी वीडियोस बनाने में आगे खुशी मिले, क्योंकि जब आप लोग कमेंट्स करते हैं अच्छे, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो मोटिवेशन मुझे दें, एंड मैं आपको टाइम टू टाइम बेस्ट से बेस्ट न्यूज़ प्रोवाइड कराऊँगी। तो चलिए फिर देखते हैं आगे क्या होता है इस वैकेंसी में, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी सही एंड जो आपके लिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि सरकार जल्दी से अपने स्टैंड क्लियर कर दे, ताकि मैं एक अच्छी गुड न्यूज़ वाली आपको एक वीडियो बना कर दूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।